हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हेलो ड्राइव घर पे बहुत आसान तरीके से। हमको चाहिए आई शेडो। अगर आपको गोल्डन कलर का हाईलाइटर बनाना तो गोल्डन कलर लेंगे, ब्राउन्स तो ब्राउन्स, पिंक तो पिंक। इधर मैंने तीनों कलर को मिक्स किया है। सबको पहले मैंने स्क्रैच कर लिया अच्छे तरीके से। तीनों को आप स्क्रैच कर लेंगे, फिर आप इसको है ना एक बाउल में डाल देना, जिसमें आपको आपका हाईलाइटर बनाना है उसमें आप डाल देना। जब तीनों को सही से मिक्स करेंगे ना तो बहुत सही रहेगा। गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसमें तीनों कलर ले लिए हैं। पिंक इतना ज़रूरी नहीं है, पिंक कलर बहुत कम ही होते हैं तो पिंक ज़रूरी नहीं है, बट मैंने इसमें डाल दिया, मुझे पिंक अच्छा लगता है। इधर आपको लेना है वैसलीन, सेकंड प्रोडक्ट है अपना वैसलीन। इधर आप वैसलीन डाल लेंगे। अच्छा जल्दी फिर आप का थर्ड प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल ऑप्शनल। वैसलीन ऑप्शनल नहीं है, एलोवेरा जेल ऑप्शनल है। इधर आपको जितना आपने पाउडर लिया था और वैसलीन लिया था उतना ही क्वांटिटी में आपको एलोवेरा जेल लेना है। फिर तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और गाइस आपका फिर हाईलाइटर एकदम रेडी है, बहुत अच्छा बनेगा। गाइस इसमें आप ज़्यादा आई शेडो डाल सकते हैं और कम एलोवेरा जेल और कम वैसलीन डालेंगे। इसमें मैंने ज़्यादा मतलब सब बराबर रखा है। अगर आप ज़्यादा आई शेडो रखते हैं तो आपका पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी हाईलाइटर की। ये देख सकते हैं अभी, अब मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हैं अभी मैंने अप्लाई किया है। इसको आप फर्स्ट लेयर लगाएंगे तो ये अच्छा बनेगा। अगर आप तीन चार लेयर में इसको लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा। आप कैसे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। दे मैंने आपको बहुत सारी जगह पर लगा के बताया है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा ब्राउन शेड में बना है। आप है ना गोल्डन कलर के शेड में भी बना सकते हैं इसे। देख सकते